अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मैं हूं मोहम्मद शहजाद, तो सदर पे YouTube चैनल वेला मुंडा। मैं इस टाइम आया हुआ था अन्नस हॉस्पिटल। मेरा हम साया नहीं दादा हम तो उन्हीं जरा तबीयत अपसेट है, उन्हीं दवाई गिनने आए होते हैं। शानू में वाले साहब हैं दादा जी, उन्हां दा ना कोई पिट्ठा दा मसला है पिया, तो डॉक्टर साहब नमाज पढ़ते पे जो ही सारा नंबर आंदा है, डॉक्टर साहब नमाज पढ़ के अन्नत वाला चेकअप करवेने, तो दुआ करो ज़्यादा कोई मसला ना हो। मैं तकरीबन उठा 12 बजे के करीब उठी के, तो मैं धां धो के नाश्ता ले करेंदे पियाम, मैं कुछ सदन आ गए कि दादे की तबीयत खराब है तो जुलू दवाई खेनो, क्योंकि इन्होंने घर ये भी अपनी मजदूरी तक ही होया इंदा बेटा, घर पिया कोई भी मर्द कोई ना आई, तो सवारी भी कोई नहीं, तो वाल मैं उस टाइम नाश्ता भी छोड़ दी, तो असा डायरेक्ट जल्दी जल्दी आ गया हॉस्पिटल। टाइम थी पे 3:20 दादा जी, मतलब हम सह भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, दादे गरीब बंदे पे इन्हों का इवें चेकअप करो जिमें मेरा चेकअप कर, मतलब कमी पेशी जरा ना रखा है बुजुर्ग बंदे साढ़े जी। दादा सा कोई एडा सेट कर दियो, असा वाला दादा दी दूजी शादी करंदे पे त्री जी, दादा सारे के दू शादी की ता रिश्ते दी गाल कीती खड़े से दादा दी, बस ओ जड़ा ना दादा सर अनफिट थी के वाले से गलो ना सारी शादी रुक गई, तो हूं जड़ा ना फिट कर दियो ते दादा दी बन के शादी करू। ये माशाल्लाह दादा दा वडा वडा बेटा है, डॉक्टर साहब ने तो पेज दे उते लिख के दीता ईसीजी करवाओ बुजुर्गां दी। दादा सारे तो चुंडिया ला दी तनी जिवे कई जमाने टेप चलांदे आ से। ਇਹ ਸਾਡੀ ECG ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵੇਨੇ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹ ਦਿਓ ਚਾ ਕਿਲੋ ਦਵਾਈ ਗੈਨ ਕੀਤੀ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਜੋ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਨਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਗੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦਾਦੇ ਕੀਤੇ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਗਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਥਨ 2 ਕਿਲੋ ਦਿਓ ਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਲੋ ਦੇ 5-7 ਦਾਣੇ ਚੜਵੇ ਸਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਾਣਾ ਚੜੇ। ये त्रै टाइम तुसा इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम गोलियां नींद विच, सुबह नाश्ते तो बाद ये भी नाश्ते तो बाद है ना ब्याह को मैं मेरे किते बड़ी मेहरबानी दादा दादा नहीं कोई मस बाजी थकने पैसे ला माफ किते गेना मेरे घर दी गाल है एक बड़ी मेहरबानी ये थारे वास्ते फ्रूट की देदा मेरे चाती वेना बड़ी मेहरबानी तू आज जा दादा कोई मसला का ज्यादा मसला वाला दसाए वाला गेना सुन दवाई हूँ घर वापस आ चुके हैं। हूँ मैं तो सारी सूरत हाल दसावा, मैं सो के उठा था धां धो के मैं वह पिया विलॉग देते विलॉग बनावन, लेकिन उस टाइम ना मेरे को आमदू की ना छोटी बेटी भजदे भजदे मेरे को आ गए, आखने के साडे वाले साहब की डाडे आमदू की तबीयत ज़्यादा ज़्यादा अपसैट है, तो जल्दी जल्दी आओ, तो मैं वाल नाश्ता करा पिया, मैं नाश्ता भी नहीं किया, वाल मैं गड्डी छिके तो घिन गया डॉक्टर साहब के कोल। मजीद तुसा दुआ करे सो कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी जल्दी सेहत रहे, तो पता गरीब बंदे भी हैं पे, तो मेरे को जितनी थी रही मैं उन्होंने हेल्प करा रहा। तो अभी वीडियो शुरू करने तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो शुरू करना अभी मजेदार वीडियो। अब हूँ जी मेरे को कॉल आई पी के मेहमान आए बैठन, क्या हाल है जी? मैं को तो सादे सी कहने भी मैं दे अपने को ये तो शुक्र है बहुत भाई होने कने थक पता है सा ब्लॉक वगैरह चंदे राने, तो अब होनी ने मैं को कोने रसाते ने कने 450 ब्लॉक भी चवा की धान है, मैं आगे चले सा चने है, तो मैं आंदे मैं देना को पैसे दे दे राना, लेकिन आज 15 दी बारा थी कने वाली ना को पैसे नहीं देते, तला आए वदन मैं को तो पता ही कोनी के ब्लॉक चाहे, तो कितने पैसे मैं तेरे अकाउंट सेंड करा? 17100 है, 17100 चेक करो अपने अकाउंट च, मैं 17000 तक से 17100 बने, लेकिन 17000 सेंड किया, 100 रियायत जी जी 17000 आ गए सर, आ गए जी जी ओके। बिया कछे खांदे खांदे पींदे वे नहीं से बस एक पिक्चर गिनो, हां पिक्चर हिक क्या था ढेर गिनो को मसला कर बस थाई ते तोरी कोठी ते से में आम जिम बैल चाती दे नहीं नहीं कोई मसला नहीं, अल्लाह माफ करे सारी कोठी ते कोई चंगा मुंह पहलो तो पीछे बंदा आवे को मसला कर जे जा भी ठीक है जबरदस्त ना होने का बेहतर है जी जी। मैं मेरी कोशिश होती है जाना मेरा लेन देन हो मैं जल्दी जल्दी क्लियर करा, लेकिन एक मैं को पत्ते कहना अब होनी ने ब्लॉक मंगवाया है, तो इस वजह तो उस बेचारे के पैसे लेट थी गए, तो हाले तक मैं नाश्ता नहीं किया, टाइम कितना थी पे तक मैं दसावा, टाइम थी पे 5 बज के 4 मिनट, हाले तक मैं नाश्ता नहीं किया, 5 बज गए ना भूल गया मैं रोटी मेरे को नाश्ता भुख तेज भुख लगी हुई मेरे भुख जो डेढ़ हाले होने ना कुत्ते भौंक भौंक कोई मर गए छोदे, अम्मी होनी रोटी गर्म करें पे तू थोको अपने घर की अपडेट देव कि अब होनी दस पेन कि अज मिस्त्रियों का मटीरियल मुक गए तो अज लगे गए मटीरियल खत्म थी वन की वजह
ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰੋਖੜੀ ਕੋ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਸੋ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਂ ਆਵੇ ਸੂ ਖਪਰੈਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਖੜੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਵਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਖਪਰੈਲੇਟ ਲੱਗੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਲੇ ਰਾਂਧੀ ਪਈ ਖਪਰੈਲੇਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝਣ ਜਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਮ ਥੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਮ ਥੀਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝਦਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਦਰਤ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਦੇ ਪਿਓ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰੋਖੜੀ ਕੋ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਘਿਣ ਕੇ ਦੇ ਸਕਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਘਿਣਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਗਈ ਧਮੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਘਿਣਨ ਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਖਰਾਬ ਥੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜ ਇਹ ਹੀ ਵੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਬਲਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮਾਈਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਈਕ ਆਖੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤਾਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮਾਈਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਕੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਥੇ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟਰ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਕੁਛ ਛਿੱਕਿਆ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੈਸਨ ਕਿ ਖੱਟੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਛਿੱਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਮਾਈਕ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਈਕ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿੱਠਾ ਹੋ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੋਗੋ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਈਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੋਟ 8 ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੂਪੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਵੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਗਿਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਨੋਟ 10 ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਦੀ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹ ਗਿਣ ਗਿਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾ ਗਿੰਦਾ ਆਮੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸੈਮਸੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਮੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਿੰਦਾ ਆਮੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਦਿਵਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੂ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਵਾਂਝੀ ਸਕੈਨਮ ਸੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਡੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹਤ ਹੈ ਚਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾਨ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਲੇ ਗਿਣਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਆ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਬੜਾ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰੈਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਿਆ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਥੀ ਗਏ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਈਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਝੰਝੜ ਹੋ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਗੈਰ ਤਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਈਫੋਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਈਫੋਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਮਾਈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਗੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸਕਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਭੇਜੇ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅਬ ਆਪਕੀ ਤਬੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਹੀ ਆਪਕੋ ਵੋ ਦੀ ਹੈ ये प्लीज़ बार बार जिद ना करें मैं आपको बिल्कुल बहुत मुनासिब दे रहा हूँ मुझे लोगो भेज दें लोगो मैं ताकि ऊपर सेट करके पहले ही भेज दूँ अलग लोगो भेजना ना फिर वो ज़्यादा वो फटीक रहती है फिर दोबारा अलग से डाक खर्च भी पड़ जाते हैं ये सामने वाला माइक की वे देखो ये देखने काफ़ी खूबसूरत है बिना माइक ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਗੋ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਲੋਗੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਗੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੀ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰਸ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋ ਕਿ ਮਾਈਕ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਥੀ ਸਿਰਫ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਚੱਲਸੀ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਜੰਝੜ ਮੁਕਾ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਇਹੋ ਲੋਗੋ ਉਹਦੇ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਸੁਣੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ये मैंने आपको सेंड कर दिया है लोगो ये वाला लोगो जिस तरह का इसके ऊपर कैपिटल जो लिखे हुए हैं ना इसके ऊपर वी बड़ा है ई छोटा है डबल एल बड़ा है फिर ए छोटा है तो इस तरह जो है ना जिस तरह ये लिखे हुए हैं ना इसी तरह आपने ना इसको लिख के मेरी तरफ सेंड कर भेजना है ना सॉरी मैं अपना ही तो लोगो लगाना मैं बता आप इंटरव्यू गिन ताई को इंटरव्यू गिन ना दे तो दिशान भाई के सामने अलवा ना मैं संग तो इंटरव्यू दिशान दे ना मैं वैसे छोटे मोटे इंटरव्यू घिन साथ वाला छोटे मोटे अच्छा, एक कनेक्टर जड़ा मेरे बैग घाचा एक कुशा पर घात के गड़ी दी डिग्गे चा सर मैं उते जड़ा ना मोबाइल रखी आवा अपलोडिंग ते लई आवा वीडियो मैं छत दे उते पहुंचा ई बूस्टर दे कोल भाई था वीडियो अपलोडिंग ते लेना लेकिन जेले पहुंचा ता वाईफाई ऑन कीता मी वीडियो अपलोडिंग ते लई मी ते बिजली लगी गई जेले हुन बिजली आसी ता वाल मेरी वीडियो अपलोड थी सी आज वाली वीडियो बड़ी मजेदार है पता केड़ी वीडियो है जड़ी कल दिशान रोखड़ी के इंटरव्यू गेन आ से ओहा वीडियो आज शाम को अपलोड थी उनी वे ता माशाल्लाह वीडियो बड़ी जबरदस्त है तुसा लाज़मी लिखा है मैं दिशान रोखड़ी के भाई कने बहु मजे मजे से सवाल ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਜਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਕੇ 8 ਮਿੰਟ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਛੋੜੀ ਟਾਈਮ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ 6 ਵਜੇ ਕੇ ਤੇ 21 ਮਿੰਟ
शराज भाई के घर बंदा जो एंट्री करे ना सामने देखने कोई खड्डा मिलता है तो इं खड्डे मेरे को लगता है कि कम से कम पांच तो छह ट्राला रेत जहाँ वैसन क्योंकि इं खड्डे रेत चाह चाह के ना इस घर की बर्थी पूरी की ने यह वासकट हालांकि रेगूलर है गर्म कौन नहीं होंगी लेकिन हूँ ये गर्मी लगती है मकसद आखन का है कि हूँ गर्मियां सारे इतना स्टार्ट थी चुके हैं तो मैं रात अपने कमरे के सुता तकरीबन 11-12 बजे तक मेरे को मजे की नींद नहीं आई वाल मैं अपनी चार पाई चाती है इस घर की ना हवेली के आके ना खटड़ी सट्टी है उत्थ भी ठंडी ठंडी हवा ना लगती है तो वल मैं रात खैर गुजारा किया इतना ही साम के वाला हूँ अज मेरा इरादा कि मैं अपनी चार पाई को चाह के अपने चबारे उत्ते शिफ्ट करा तो उत्ते बाहरों चबारे समसाज ये वाली जुत्ती रिठी हुई मेरी इस जगह तो टुट गई तो हूँ ई जुत्ती को सटेने कि वो थोड़ा याद अस पिछली वीडियो मैं नवी जुत्ती कहना हमें ये मेरी पई वे नवी जुत्ती जीरो मीटर जुत्ती वे वन नंबर नहीं बल्कि 7 नंबर है जुत्ती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मेरी नवी जुत्ती क्या बात है ये मेरी खटड़ी एक वाज ऐसा छत उत्ते शिफ्ट करे ये दा कर ले दिल साफ हो दिल काला ना हो तो निकलो खचरा दी जगह को निकलो 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 इन साइड तो देखो सूरज का रूप थी चुका है पीली पीली रोशनी आती पी माशाल्लाह तीनों मेरा बाज देखो कितना प्यारा लगता बैठे 9:24 तो मैं अपनी वीडियो भी अपलोड कर दी है जिशान रोकड़ी इंटरव्यू वाली बड़ी मजेदार वीडियो है ये न्यू वीडियो वैसे देखो 59 मिनट थी चुके 11,000 व्यूज आ चुके माशाल्लाह तुसा व्यूवर मेरी वीडियो के इंतजार च बैठे होंगे हालांकि एक घंटा नहीं थी एक घंटे के 11,000 बंदे ने देगी दी यूट्यूब के उत्ते फेसबुक के उत्ते इन भी ज्यादा हो सके एक मिनट मैं तो दिखाव हाँ ये वाला पेज ही वे वेला मुंडा 555 ये मेरा पेज ही वे मैं तो इतने दिखाना ये देखो वह वीडियो इतना व्यूज ही 34,000 एक घंटे 50,000 बंदे ने मेरी वीडियो दिखी अब जी इस वीडियो दे ना भाई जिशान ने थोड़े उठ का जिक्र भी किया है दिखावा तो को जी हाँ एक मिनट ये वीडियो है ना एक पानी दे दरिया दे कश्ती दे सवार ही वे त्रै बंदे ही वे ठीक है ये तो वीडियो का स्टार्ट आते दा को मसला बन गए आखो तो साओ लीक थी ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾ ਇਥਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਲੌਗਸ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਕੋਨੇ ਬਣਾਦਾ ਕਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਕੋਨੇ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀ ਕੋਨੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਸੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ लेकिन तो सार कहन दे नाल ठीक रहने कोई तुहाडे खिलाफ ही अगर गल करे बिल्कुल आज तक मैं कहीं दे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई जो मर्जी मेरे खिलाफ आखन पे जरूरी भी नहीं ते ए चीज मैं को अब्बू होनी भी अक्सर आदे उन्होंने अब्बू कहीं दे खिलाफ वीडियो नहीं बनावनी जो मर्जी कोई आखे पिया ना कहीं दे खिलाफ वीडियो नहीं बनावनी ते ते ए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू दी भी तरबियत थी ते अलजिशान भाई ने भी तारीफ की थी अच्छा मेरे अब्बू दे दो ना हां कई दफा तो बड़े हर वक्त मेहनत करे ना ना उठ ना को बड़े पसंद है मेरे वाले साहब को माशाल्लाह माशाल्लाह लिठाई मेरे उठां दी केडी प्यारी तारीफ करें दे अल्लाह अल्लाह ताला ने इना को केडी बड़ी बरकत पाती है जी हां बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह सोना इना को भी सलामत रखे बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह सोना हर मुसलमान जी है सुना है अल्लाह ताला इन बच्चे दी भी जिंदगी रखे अल्लाह ताला इको भी सलामत रखे सारी ये दुआ है इंशाल्लाह मरे उठा दी केडी वडी है अल्लाह ताला ने जी है बिल्कुल बरकत पाती है उठ वो आदम रखे हुए कोनी कुर्बानी उठा दी करे ना जिशान भाई ने पैगाम सुन भी खुद मिलने
वैसा खुद वला भी सलाम दे दे सा इंशाल्लाह तो मेरे दी ते गाल उठे आई हालांकि मैं तस्वीरा पहले छिके ही खणा लेकिन व्लाज निशान भाई सजा है को मेरे नाल तो मैं तस्वीर कहन थई प्यार कैसा लगे कमेंट लाजमी दसो एंड अच्छी लगे अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो तो तब तक के लिए बाय बाय बिस्तर भी चाहें हालांकि बिस्तरा वगैरह तलड़े कमरे पी आए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा लगती खड़ी है अजीब सनसनाहट है कोई शोर कोई कोई शराबा कोई नहीं तले उमेर होनी शराज होनी वो बुफर चलाई रख दिन उनका शोर शराब होना वो हूँ ही चलाई पैन क्योंकि शराज भाई के चैनल उत्ते 100 वीडियो कंप्लीट थी गए तो उनकी खुशी के बच्चे जो केक कटेंदे पे तले बुफर चलाई पे गज 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 की आवाज़ उतना लेकिन एक छत के उत्ते सुकून है पे आवाज़ तले दब वेंदी इतना छत के उत्ते आवाज़ नहीं आती तो मैं कोई इतना भी माशाल्लाह गर्मी में सुमना बहुत अच्छा लगता हालांकि ये मेरा पहला गर्मियों का सीजन है तो मेरा एक शौक आता एक ख्वाहिश होंगी कि यार अल्लाह मैं कहीं घर दे मैं वाला घर का चबारा हो कोठी होवे उनके उत्ते समा चलो उनका कैसा नज़ारा हो सी तो अलहमदुल्ला अल्लाह पाक की मेहरबानी अल्लाह पाक तेरे लख लख शुक्र है कि तुसा मेरी ये ख्वाहिश पूरी की अलहमदुल्ला तलों कमरे के लीड चाहें लीड वो सामने जितना बुस्तर लगा खड़े उत्थ तार लाई मैं सामने तार आँदी पी ये तार आके इन उत्ते चार्जिंग तले असा मोबाइल एक मोबाइल एडू चार्ज थी पे आईफोन उत्ते वीडियो बनती पी आईफोन उत्ते हले वीडियो एडिट करनी एडिट करके जल्दी इनकी बैटरी खत्म थी रात सुम्मण तो पहले एक कोई चार्जिंग तला के सामने वैसा मेरी आदत है मैं अपने दोहें मोबाइलों को राती सम्मण लगे मोबाइल चार्ज तला के सामने जल्द सुबह उठदा वाले बैटरी फुल थी पी